हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार। आज आपके बीच बीकॉम फर्स्ट ईयर का व्यावसायिक अर्थशास्त्र प्रश्न पत्र लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बहुत ही स्टार्टिंग का पोर्शन है यूनिट फर्स्ट का, व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति, क्षेत्र और उसकी विशेषताएं। आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरे अगर हम सिलेबस को देखें तो हमारा स्टार्टिंग का पोर्शन जो अगर अच्छे से हमें समझ में आता है तो हम कंसेप्ट अपना क्लियर कर लेते हैं। तो आइए हम समझने का प्रयास करें कि ये वास्तव में व्यावसायिक अर्थशास्त्र होता क्या है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो है ना, वो अर्थशास्त्र जो परंपरागत ट्रेडिशनल जो हमारा इकोनॉमिक्स है उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। जो हमारे बीए के बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वो सिद्धांत पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, और उन्हीं सिद्धांतों का जब हम व्यवसाय में अपने समस्याओं को, अपने नियोजन में, अपने मैनेजमेंट के डिसीजन में प्रयोग करते हैं तो उसे हम व्यवसायिक अर्थशास्त्र कहते हैं। मतलब कि हम कोई भी इकोनॉमिक्स का सिद्धांत अगर व्यवसाय में प्रयोग करते हैं तो उसे हम व्यवसायिक अर्थशास्त्र कहते हैं। लेकिन तो इतना ही नहीं है, थोड़ा हम कुछ अर्थशास्त्रियों का भी देखेंगे कि उन्होंने क्या समझाने का प्रयास किया है। तो अगर हम सबसे पहले बहुत ही सरल शब्दों में व्यवसायिक अर्थशास्त्र को समझने का कोशिश करें तो व्यवसायिक अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र के ज्ञान की एक ब्रांच है, एक शाखा है, जिसमें हम आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, उसका क्या कारण है, उसका अध्ययन करना ही जो है वो व्यवसायिक अर्थशास्त्र कहलाता है। अगर हम अर्थशास्त्रियों को लें तो मैकनेयर एवं मेरियम, एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है इनका, ओपिनियन अगर कहीं है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है इकोनॉमिक्स में। ये मैकनेयर, स्पेंसर, हेंस और आपके जेम्स बेट्स, पार्किंसंस, इन लोगों का अगर हम डिफिनेशन कोट करते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे ने अच्छा तैयारी किया है और आपको भी समझ में आता है, चीज़ें आती हैं तभी आप कोट करते हैं। तो मैकनेयर और मेरियम ने जो समझाया है, जो बताने का प्रयास किया है व्यावसायिक अर्थशास्त्र का, व्यावसायिक अर्थशास्त्र में व्यावसायिक परिस्थितियों का विश्लेषण सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो व्यवसाय का परिस्थिति है उसका विश्लेषण करते हैं, और अर्थशास्त्री जो विचार पद्धति है उसका हम उपयोग करते हैं। मतलब एनालिसिस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक, बिजनेस प्रॉब्लम्स एंड यूजेज ऑफ इकोनॉमिक्स थाट्स। तो ये मैकनेयर और मेरियम ने कहा। स्पेंसर एंड सेलिगमैन ने भी एक डिफिनीशन दिया हुआ है, अगर हम उनके डिफिनीशन को देखें तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांतों तथा व्यावसायिक व्यवहारों का, दोनों का समन्वय बनाना उद्देश्य होता है। प्रबंधकों को निर्णय लेने और आगे के नियोजन, फ्यूचर के प्लानिंग्स जो होते हैं उसमें सुविधाएं प्रदान करता है, ये स्पेंसर और सेलिगमैन ने कहा। और अगर हम आगे हैंस का डिफिनीशन देखें तो हैंस ने कहा कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र व्यावसायिक निर्णयों में प्रयुक्त किए जाने वाला अर्थशास्त्र है। ये अर्थशास्त्र की एक स्पेशल ब्रांच है जो विशुद्ध प्योर जो प्रिंसिपल्स हैं एवं जो हमारे मैनेजर्स के जो प्रैक्टिकल अप्रोच हैं उनके बीच एक ब्रिज का काम करता है, एक सेतु का काम करता है। ये हैंस ने अपने परिभाषा में बताया। और अगर हम जेम्स बेट्स और जे आर पार्किंसन का डिफिनीशन देखें तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र फर्म के आचरण का व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक अध्ययन, बहुत ही छोटे शब्दों में इन्होंने डिफिनीशन दिया है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र फर्म के आचरण, मतलब फर्म का एक्टिविटीज कैसा है, उसका व्यवहारिक रूप कैसा है, और सैद्धांतिक जो हमारे एनालिसिस हैं उनका जो है बात इन्होंने अपने डिफिनेशन में कही, जेम्स बेट्स एंड जे आर पार्किंसन। अब हम आते हैं कि टोटल ओवरऑल कंक्लूजन क्या होगा अगर हम अपने अर्थशास्त्रियों के डिफिनेशन को लें और खुद जो
ऑब्जर्वेशन अपना है इस बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में, वो फाइनली क्या निकल के आया है अगर हम उसको देखें, तो इनके अध्ययन से यह साफ साफ पता चलता है, यह स्पष्ट होता है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र के ज्ञान की सबसे पहले तो एक शाखा है, छोटा सा एक ब्रांच है, जिसमें आर्थिक विश्लेषण के सिद्धांतों को व्यावसायिक प्रबंध की समस्याओं के समाधान में, व्यावसायिक प्रबंध के निर्णयों में, भावी प्लानिंग में जब हम उसका प्रयोग करते हैं, इसमें व्यवसाय के विकास एवं पूर्वानुमान का भी विश्लेषण हम सम्मिलित कर सकते हैं, और आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर जब हम अपना बिजनेस प्रोसेस बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं तो उसे हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र कहते हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में अगर हम बात करें तो आप भी चूँकि एग्जाम के प्रिपरेशन में अभी आप लगे हैं, आप ध्यान रखिएगा कि जो नेचर होता है व्यावसायिक अर्थशास्त्र का वो दो तरह का होता है, ये साइंस का तरह का होता है और दूसरा कला, आर्ट्स एंड साइंस दोनों तरह का ये होता है। अगर हम साइंस को समझे सबसे पहले कि ये साइंस किस तरह से है, बिजनेस इकोनॉमिक साइंस किस तरह से है, तो नियम और सिद्धांतों के आधार पर क्रमबद्ध अध्ययन को हम विज्ञान कहते हैं। सबसे पहले हम जान लें कि किसी भी विषय को नियमों एवं सिद्धांतों के अंतर्गत अगर हम क्रमबद्ध तरीके से कोई ज्ञान अर्जित करते हैं तो उसे हम विज्ञान कहते हैं। और व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अध्ययन भी इसी तरह का कुछ है। हम अगर एनालिसिस करें तो हमें पता चलता है कि इसमें भी नियम एवं सिद्धांतों को क्रमबद्ध तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। इसमें सिद्धांतों की सत्यता की जाँच अगर हमको करनी हो तो जो हम भविष्यवाणी करते हैं उससे हमको मतलब एक स्टैंडर्ड एंड एक एक्चुअल आउटपुट के बीच जो अंतर आता है उससे हमें पता चलता है कि हमने आने वाले समय के लिए जो फॉरकास्ट किया था वो आज के डेट में या जो रिजल्ट आया वो ठीक ठाक आया कि नहीं, हमारा पूर्वानुमान सही है कि नहीं, ये हमारे वैज्ञानिक रूप को दर्शाता है। और विज्ञान में भी हम दो तरह का यहाँ पे साइंस सम्मिलित करने का वो स्टडी करते हैं कि एक तो जो हमारा विज्ञान है वास्तविक रियल साइंस और दूसरा है आइडियल साइंस जो आदर्श की बात करता है और एक वास्तव आज जो वास्तविक विज्ञान है वो कहता है कि क्या है का मतलब एट प्रेजेंट की वो बात करता है और जो आइडियल साइंस है वो कहता है क्या होना चाहिए। क्या है मैं अगर हम देखें कि आज के डेट में क्या है, प्रेजेंट समय में क्या है, अगर हम उसको थोड़ा सा समझने का ध्यान दें तो क्या है मैं हम देखते हैं कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत अगर हम वास्तविक विज्ञान का अध्ययन करें तो इसमें उत्पादन कितना है, मांग की स्थिति क्या है, मांग का नियम कितना पालन होता है, प्रगति की संभावनाएँ कितनी हैं, उसका विश्लेषण हम इसके अंतर्गत करते हैं वास्तविक विज्ञान के अंतर्गत। क्या होना चाहिए ये थोड़ा सा हमारे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को दर्शाता है, क्या होना चाहिए में, जिसको हम आदर्श विज्ञान के रूप में सम्मिलित करते हैं कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र केवल फर्मों कुछ घटनाओं या कुछ सैद्धांतिक विश्लेषण तक ही सीमित नहीं है, ये इसमें थोड़ा सा आगे जा कर के कुछ खोज करना, कुछ पूर्वानुमान लगाना, भविष्य के गर्त में झांकना, मूल्य क्या होगा भविष्य में, या हम प्रोडक्शन करें कि ना करें, इस तरह की जो बातें होती हैं वो फ्यूचरिस्टिक के अंतर्गत आती हैं, भविष्य की बातें आती हैं या पूर्वानुमान की बातें आती हैं, ये क्या होना चाहिए वाला जो पहलू है ये हमें आदर्श विज्ञान की ओर ले जाता है। अब हम विज्ञान से थोड़ा सा इतर होके साइंस की तरफ आएँ कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र कला साइंस तो हमने डिस्कस किया, कला कैसे है इसको अगर हम देखने का प्रयास करें तो कला से अगर हम अपने कुछ अनुभवों के आधार पे कुछ वर्किंग स्टाइल मैनेजर का जो वर्किंग स्टाइल है उसको देखें तो ये व्यक्ति विशेष पे निर्भर करता है कि आप किस तरह से किसी डिसीजन को ले रहे हैं, किस तरह से किसी डिसीजन को
अपना रहे हैं, किस तरह से किसी फ्यूचर के रिस्क को अपने बिजनेस में अडॉप्ट करने जा रहे हैं। ये आप देखते होंगे कुछ प्रबंधक हैं जो रिस्क बहुत हाई लेवल का रिस्क नहीं लेते हैं। वो अगर उनको लगे, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, अगर कोई कह दे कि आप क्या कुछ पैसा इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में, तो नहीं नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भविष्य बहुत क्लियर नहीं है। तो ये जो स्टाइल है सबका काम करने का, आप इसी दौर में देखे होंगे कि कुछ व्यवसायी उभर के सामने आए, क्योंकि उनको लगा कि छोटे छोटे व्यवसायी हट जाएंगे या रिस्क नहीं ले पाएंगे। तो जो रिस्क ले सकते हैं उनका वो काम करने का स्टाइल अलग है। तो जब अनुभव के आधार पे, अपना व्यक्तिगत जो क्षमता है उसके आधार पे अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं, परिस्थितियों को ऑब्जर्व करते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं क्या हो सकता है का अनुमान लगाते हैं, ये सब एक कलाकारी के अंतर्गत आता है। हर आदमी का काम करने का तरीका अलग होता है, और ये जो वर्किंग स्टाइल है इसको हम कला के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। अब हम बात करेंगे व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र का, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। जो क्षेत्र है वो बहुत ही ब्रॉड क्षेत्र है, हमें समझना है कि हम यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, कि कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ पे न रख पाएँ। तो आप, अगर आपको समझ में आता है, आप उसको क्लियर कर सकते हैं कि ये चीज़ें भी इसमें सम्मिलित हो सकती हैं, व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत इनको हम सम्मिलित कर सकते हैं। ये जो शुरुआत है कि बिजनेस अर्थ इकोनॉमिक्स का, ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। ये सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, उसके साथ ही इसके डेवलपमेंट पे काम होना शुरू हो गया। तो उसमें सम्मिलित होने वाली बातों पे हम जिक्र कर रहे थे कि इसमें क्या क्या व्यावसायिक अर्थशास्त्र में बातें सम्मिलित हो सकती हैं। उसमें है मांग का विश्लेषण एवं उसका पूर्वानुमान। इसमें हम क्या करते हैं, उपभोक्ता के व्यवहार को देखते हैं, मांग के नियम को देखते हैं, मांग के लोच को देखते हैं। इन सब चीज़ों का हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इन द बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो हम इसको सम्मिलित करते हैं, जो हमारे स्टार्टिंग के चैप्टर्स भी हैं, आप उसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लागत एवं उत्पादन विश्लेषण, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस, हमें कितना पैसा चाहिए, कितना लगाना चाहिए, कितने में अगर हमारा कम में काम हो जा रहा है तो हम ज़्यादा पैसे क्यों एक्सपेंस करें। इस तरह का जो एनालिसिस है वो हम लागत एवं उत्पादन विश्लेषण में सम्मिलित करते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। मूल्य निर्धारण, ये जो प्राइस डिटर्मिनेशन है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है और उसका हम स्टडी करते हैं व्यवसायिक अर्थशास्त्र में। जैसे अंडर प्राइस डिटर्मिनेशन, अंडर मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, इनपरफेक्ट कंपटीशन, ये जो स्थितियाँ होती हैं इसमें बहुत ही हम इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों का अध्ययन करके उनको अपने बिजनेस में लागू करते हैं, तो इसको भी हम सम्मिलित करते हैं। बाजार एवं प्रतियोगिता, कंपटीशन का लेवल क्या है हमारे आसपास, बाजार की क्या स्थिति है, और उत्पादन और कीमत का क्या स्तर होना चाहिए, इसका हम एनालिसिस करते हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र में। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है कैपिटल मैनेजमेंट, मतलब किसी भी व्यवसाय की सफलता असफलता हमारा कैपिटल मैनेजमेंट पर निर्भर करता है, कि किस तरह से हम उसका प्रबंधन करते हैं, पूंजी का बजट कैसे हम तैयार करते हैं, पूंजी की लागत कितनी होगी, पूंजी का प्रतिफल दर कितना होगा, आय का स्तर क्या होगा, ये सारा एनालिसिस हम इसमें पूंजी प्रबंधन में देखते हैं। साधन कीमत निर्धारण, जो साधन है उनका प्राइस डिटर्मिनेशन हम कैसे करें, इसका अध्ययन भी हम इसमें करते हैं। बाजार रिसर्च, बाजार अनुसंधान, बाजार की क्या स्थिति है, उसका नेचर कैसा है, वहाँ पे काम करने लायक है कि नहीं है, विक्रय की स्थिति क्या है, वहाँ किस तरह का स्टाइल है, सेलिंग स्टाइल कैसा है, वितरण की क्या सिस्टम है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, विज्ञापन आदि जो हैं वो क्या चैनल्स हैं, ये सब चीज़ें हम वहाँ पे देख के फिर आगे काम करते हैं। और कुछ और बातों को हम देखें तो परियोजना का मूल्यांकन, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका मूल्यांकन भी हम
उसका एनालिसिस जो है हम करते हैं अपने व्यावसायिक अर्थशास्त्र में, ताकि हमें वास्तविक स्वरूप पता चल सके। और लास्ट वन हमारा है व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, किस तरह की विशेषताएं होती हैं इसमें अगर हम अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट दें, मैक्रो एंड माइक्रो, माइक्रो एंड मैक्रो, तो सूक्ष्म और बृहद अर्थशास्त्र में। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हम यूनिट का स्टडी करते हैं, जैसे सबको एक यूनिट मान लें, जैसे उपभोक्ता को एक यूनिट इकाई मान लें, उत्पादक को एक यूनिट मान लें, फर्म को एक यूनिट मान लें, उद्योग को एक यूनिट, इंडस्ट्री को एक यूनिट मान लें। और जो हमारा बृहद अर्थशास्त्र है उसमें क्या करते हैं, उसमें ओवरऑल टोटलिटी की बात करते हैं, जैसे कितना टोटल कितना कंजम्पशन हुआ, कितना उपभोग हुआ, टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, कुल रोजगार कितना क्रिएट हुआ, कुल इनकम कितना हुआ, ये जितने भी टोटल शब्द हमारे आते हैं व्यवसाय में वो हमारे बृहद या मैक्रो का हिस्सा होते हैं। कुछ और अगर हम विशेषताओं को देखें तो आप ज़्यादा दूर मत जाइए, जो अभी हमने स्टार्टिंग में कहा था कि व्यवसाय में जब हम इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, उस व्यवसायिक समस्याओं के समाधान में प्रयोग करते हैं, भावी नियोजन बनाने में प्रयोग करते हैं, डिसीजन मेकिंग, पूर्वानुमान, ढेर सारे जो हमारे वर्क होते हैं रिलेटेड टू आवर बिजनेस, वो हम सब दिखाते हैं इसकी विशेषता में। तो अब अगर आप अलग अलग दिखाना चाहें तो कुछ हम पॉइंट्स शुरू के ला रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र का स्वभाव कैसा होता है। सबसे पहले ये आप देखिए, सूक्ष्म और बृहद, यहाँ पे हम नेचर को देखें तो ये सूक्ष्म स्वभाव का होता है, क्योंकि हम इकाई का स्टडी करते हैं। यह विशुद्ध आर्थिक सिद्धांतों एवं उनके व्यवहार में समन्वय स्थापित करता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में विभिन्न जो फर्में हैं वो उनके घटनाओं, समस्याओं आदि का अध्ययन एवं विश्लेषण हम लोग करते हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र में। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में आर्थिक सिद्धांतों के विश्लेषण और उनके प्रयोग का एनालिसिस किया जाता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में सिद्धांतों, नीति निर्धारण और उनका जो है ना एक अच्छा खासा व्याख्या हमारा व्यावसायिक अर्थशास्त्र करता है। तो और अगर हम देखें थोड़ा सा बृहद रूप देखें इसका कि और क्या चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं, तो व्यापार चक्र इसमें, बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, विदेशी व्यापार, कर नीति, आपका ब्याज नीति, मूल्य नीति और श्रम नीति आदि हम इसमें सम्मिलित करते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है कि मेन समस्याओं को हम अपने व्यावसायिक अर्थशास्त्र में सम्मिलित करते हैं। तो इतना ही, धन्यवाद।